नमस्कार साथियों, और अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो चेस्ट वाला एरिया है उसको अपन लोग देखेंगे। इसको मैं बड़ा करता हूँ, इसको हटाता हूँ और पेन टूल की मदद से, ये अपना सेकंड वीडियो है वेडिंग ड्रेस चेंज का। तो इनका जो सीने वाला एरिया है उसको बस मैं लूँगा, क्योंकि जो बाकी का एरिया है वो हमने पहले ही ठीक कर लिया है वहाँ पे जा करके। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद का काम आपको पता है मैं सिलेक्शन, और इसको कॉपी करके पेस्ट भी अपन कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल भी आपको पता ही होगा। यहाँ पे किसी जगह में इसको सेट करके देखते हैं। हम कंट्रोल और ब्रैकेट के मदद से इसको पीछे ढकेल देंगे। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, और बड़ा करने के बाद में इसको यहाँ पे रखता हूँ। तो ये मेरे को ठीक लग रहा है, ताकि मैं इसको ठीक सेट करूँ, इसलिए मैं इसको अंदर कर रहा हूँ। अब आप देखिए, ब्रैकेट कंट्रोल ब्रैकेट की मदद से उसको मैंने अंदर किया है, और इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। और आप चीज़ों को ध्यान देते जाइए कि चीज़ें कैसे एक दूसरे में आकर के ठीक लगती हैं। हालांकि अभी कलर उनका बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, अपना कलर अपन सेट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर उसका जो सेटिंग है उसको, तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक करूँगा यहाँ, ताकि चीज़ें ठीक लगें। अब देखिए, यहाँ पे इसको कलर को अपन लोग थोड़ा सा लाइट करते हैं, ताकि वो जो चेस्ट एरिया है उसमें आकर के वो ठीक हो जाए। ये देखिए, अब वो ठीक लग रहा है दोनों का कलर। ओके करता हूँ। अब अपन ये जो हाथ का जो पोजीशन, यहाँ का लाइट जो है वो यहाँ के लाइट से बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उसको अपन ठीक करेंगे बाद में। और अपन अब ये जो है उसको अपन बनाने का प्रयास करते हैं। मैं रैप लेता हूँ, और रैप की मदद से देखता हूँ थोड़ा नीचे की तरफ खींच के, ये ठीक होगा कि नहीं। ये ठीक लग रहा है, और इसको यहाँ पे करता हूँ ताकि ये ठीक लगे। थोड़ा सा इसको खींचता हूँ, अब ये ठीक है ये, और हल्का सा घुमाना पड़ेगा इसको। हल्का सा घुमाता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को गैप नज़र आ रहा है, उसको अपन सेट करेंगे। इसको दूसरे शोल्डर में भी अपने को ले जाना पड़ेगा, इसलिए अपन इसको पहले सिलेक्ट करते हैं और पेन टूल लेते हैं। पेन टूल की मदद से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी कि अपन कैसे मैनिपुलेशन के लिए एक फोटो को दूसरी चीज़ में चेंज करने के लिए कैसा किस तरह का अपन दिमाग लगाते हैं। अब इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। रखने के बाद में इसको मैं पीछे की तरफ ढकेल दूंगा, इस तरह का मतलब बनाने के लिए। तो इसको मैं पीछे ढकेलूंगा कंट्रोल और ब्रैकेट की मदद से, मैंने पीछे कर दिया इसको। थोड़ा सा घुमाता हूँ, आपको लग रहा होगा कि कैसे सेट होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है दोस्तों। इसको अपन लोग काट लेते हैं यहाँ से। जब आपके कंट्रोल में सारी चीज़ें आ जाएंगी जब, तो आपको सब चीज़ें समझ में आती जाएंगी, और सब चीज़ें आपसे ठीक भी होने लगेंगी। मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊंगा, रैप की मदद से थोड़ा उसको ठीक करने का प्रयास करता हूँ, ताकि वो जो पीछे में जो उनका शोल्डर का जो एरिया है
वो अपने को ठीक ठाक मिल जाए, ये देखिए। और एकदम से वहाँ नहीं भी मिल रहा है तो फिर भी कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। जो बाकी के एरिया है उसे हम स्मोक टूल की मदद से अंदर की तरफ खींच लेंगे। चीज़ें सही होनी चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि ये मैटर करता है कि वो अपने एकदम से जैसा है उसी की तरह अपन उसको सेट करें। ये देखिए मैंने सब तरफ इसको घुमा के देख लिया है और ये ठीक लग रहा है, तो इसको मैं ठीक इंटर दबाता हूँ और इसको काट लूँगा थोड़ा सा मैं, और यहाँ पास का जो जगह है उसको मैं मिलाऊँगा इरेजर की मदद से। इसको मैं 10 कॉपी सिटी देता हूँ, नहीं सॉरी 15 कॉपी सिटी देता हूँ, और 15 कॉपी सिटी में मैं इसको ठीक करने का प्रयास करता हूँ ताकि ये ठीक लगे। और देखिए एक दूसरे में मर्ज हो गया, कितना अच्छा सेटिंग फोटोशॉप का है जो सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है। देखिए दूर से कितना अच्छा व्यू आ रहा है, हालांकि उनके गले में देखिए वो चीज़ पहुंचा, उसके बावजूद भी कितना अच्छा व्यू आ रहा है। उसको अपन लोग थोड़ा सा ठीक कर लेंगे यहाँ पर उसको, मैं इसको थोड़ा सा इरेजर टूल की मदद से इसको काटूंगा। मेरे को लेयर को ढूंढना पड़ेगा, लेयर्स का ऑप्शन जो है ये, इसमें मैं जो जो चीज़ें सिलेक्ट हैं उसको मैं देख सकता हूँ। 3 नंबर ये मेरा सिलेक्ट है, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से, ये कट हो गया। और बाकी की जो चीज़ें हैं उसको मैं अंदर की तरफ खींचूँगा ताकि वो ठीक लगे। देखते हैं इसको भी अपन, यहाँ से मैं इसमें टूल में जाकर के उसको अंदर की तरफ में खींच सकता हूँ ताकि वो अपने शेप में ठीक से आ जाए। तो मैं बैकग्राउंड चुनता हूँ और यहाँ से राइट बटन दबा के स्मोक टूल लेता हूँ, और स्मोक टूल की मदद से इसको मैं अंदर की तरफ ढकेलता हूँ ताकि वहाँ पे वो गड़बड़ ना लगे। इसको अंदर खींचता हूँ और इसको भी हल्का हल्का मैं अंदर दबाता हूँ। देखिए यहाँ कस्पस को भी थोड़ा सा अंदर दबाऊँगा और ये अब एकदम सेट है, बहुत अच्छा इसका व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा ये लग रहा है। तो यहाँ तक अपन कर लिए हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसका जो सेकेंड साइड का जो बांह है, देखिए यहाँ पे तो जाली लगा हुआ है, नेट है, तो नेट वाले को उठा के अपन वहाँ नहीं डाल सकते क्योंकि नेट का व्यू और वहाँ का, चूँकि वहाँ पे नेट नहीं है तो वो अलग व्यू दिखेगा, इसलिए अपन दूसरा जो एक और इमेज देखे थे उसको यहाँ पे सेट करने का अपन प्रयास करेंगे और अगली वीडियो में उसको अपन देखेंगे। तो अभी तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं साथियों, नमस्कार, बने रहिए मेरे साथ में नेक्स्ट वीडियो के लिए।